बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हरियल डियर स्टूडेंट्स टुडे माय टॉपिक इज द प्राइस ऑफ फ्लावर्स इट इज लेसन नंबर 13 इन योर टेक्स्ट बुक द प्राइस ऑफ फ्लावर्स इज रिटन बाय प्रभात कुमार मुखोपाध्याय फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस दिस lesson price of flowers it is about a poor english family ye kahani ek gareeb english khandan ke mutalliq hai the members of the family are widowed mother miss Clifford her son Frank and her daughter Maggie is फैमिली में कौन कौन से अफराद रहते थे एक रहती थी मिस क्लिफोर्ड ये मदर थी ये मगर ये बेवा थी बेवा मदर जिसका नाम मिस क्लिफोर्ड था और उसका एक बेटा फ्रैंक जिसका नाम था और उसकी एक बेटी मैगी इस घर में इस फैमिली में रहते थे फ्रैंक इज सर्विंग एज ए सोल्जर इन इंडिया फ्रैंक जो उस विडोड मदर का बेटा था वो क्या काम करता था वो इंडिया हिंदुस्तान में बहसत सिपाही काम फौज में सिपाही काम करता था नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन इज अबाउट ए फैमिली The family members are widowed mother, Miss Clifford, her son Frank, and her daughter Maggie. Frank works as a soldier in India. Now the narrator of the story is Mr. Gupta. ये जो हमें ये कहानी जो प्रभात कुमार मुखोपाध्याय ने लिखी है The Price of Flowers इसको कौन हमें नरेट कर रहा है हम तक पहुंचाता है मिस्टर गुप्ता ही इज लिविंग इन लंदन वो कहां रहता है लंदन में रहता है इस कहानी का पेश करने वाला मिस्टर गुप्ता लंदन में रहता है वन डे ही वाज वेरी हंग्री एक दिन की बात है ये मिस्टर गुप्ता जो नरेटर है इस कहानी का हम तक पहुंचाने वाला है ये एक दिन बहुत भूखा था ही वेंट टू ए वेजिटेरियन रेस्टोरेंट वो कहां जाता है एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मीन्स जहां पर मीट सर्व नहीं किया जाता है जहां पर सब्जी सर्व की जाती है उसी रेस्टोरेंट में वो चला गया मिस्टर गुप्ता नरेटर ऑफ दिस लेसन दिस स्टोरी He chose a corner and began to read the newspaper. उसने उस रेस्टोरेंट में बैठने के लिए एक कोना चुना और बैठते ही वो अखबार पढ़ने लगा The waitress came to Mr. Gupta and took his order and went away. हस्ब मामूल वेटर सर्व करने वाली लड़की वेटरस मिस्टर गुप्ता के पास आती है और उसका ऑर्डर लेके वहां से चली जाती है ये आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में होता है सर्व करने वाले आदमी होते हैं वो कस्टमर के पास आते हैं और उसका ऑर्डर लेते हैं क्या उसको खाने में चाहे और इसी तरह यहां पर भी एक वेट्रेस आई वो लड़की थी वो आई मिस्टर गुप्ता के पास जो पुणे में बैठा था रेस्टोरेंट के उससे खाने का पूछा कि क्या खाओगे और वो खाने का ऑर्डर उसने लिया और वहां से चली गई आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द वेट्रेस मिस्टर गुप्ता सा ए यंग इंग्लिश गर्ल लुकिंग फिक्सडली एट हिम जब वो वेट्रेस
वो सर्व करने वाली लेडी वहां से चली गई। मिस्टर गुप्ता को एक यंग इंग्लिश गर्ल अंग्रेज लड़की पर नजर पड़ी जो मिस्टर गुप्ता को गौर से देख रही थी, पर्टिकुलरली उसको देख रही थी, फिक्सेडली मिस्टर गुप्ता को देख रही थी। शी वॉज नियरली 13 or 14 ईयर्स ऑफ द एज। उस लड़की की उम्र जो मिस्टर गुप्ता को गौर गौर से देख रही थी उसकी उम्र तकरीबन 13 to 14 साल के दरमियान थी। हर क्लॉथस इंडिकेटेड दैट शी बिलोंगड टू ए पुअर फैमिली। अब जो उसने जो कपड़े पहने थे जो मिस्टर गुप्ता को वो लड़की देख रही थी रेस्टोरेंट में, उसने जो कपड़े पहने थे उससे लगता था, उससे पता चलता था उसके कपड़ों से कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती है। शी बिलोंगड टू ए पुअर, वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, उसके कपड़ों से ये पता चलता था कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। कौन? वही लड़की जो उसी रेस्टोरेंट में एक जगह बैठी थी, मिस्टर गुप्ता को गौर गौर से देख रही थी, उसके कपड़ों से पता चलता था जो उसने पहने थे कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। There was a sad expression in her large eyes. उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों में गम का, दुख का, दुख की एक्सप्रेशन दिखाई देती थी, दुख का नजारा, यानी उसकी बड़ी बड़ी आंखें दुख भरी कहानी पेश करती थी। This was the first part of this lesson of this story, The Price of Flowers, written by Prabhat Kumar Mukhopadhyay. In the another lecture, next lecture, I will proceed further. Baki Wassalam.